कस्तूरी शर्मा एज ए प्रेजिडेंट फॉर ब्राह्मणा तहसील अखनूर जिला जम्मू का बोला करना है। साढ़ा 10 साल का एक मसला अटके दा हा जिहड़ा कि जबरदस्ती बिजली वाले तार जिहड़ी है लोगों ने घरें उपरे फेरना चाहते हैं, लेकिन साढ़े लोगों सरपंचें मिली है उस चीज़ की बंद किया पे लोगों की इस चीज़ का नुकसान है। अस ये काम नहीं हो देखे है, साढ़े को एक ऑप्शन है जिहड़ा तुम दूसरी साइड तक ले सकते हो, वह भी साड़ी जगह है ते अस कोई रोक टोक नहीं होगा है। मगर चीफ इंजीनियर साहब कन्नै मेरी अज 4 दफा गल हुई है, वो आखदा भी उधर में तार नहीं लेनी है, मैं सरपंच आखूग तो तार इधर है जाग तो नहीं तो इन्ने चिर बिजली नहीं। बिजली कल 12 बजे की बंद है, साढ़े लोग 300 घर जो घर है साढ़ा बिजली के बिना ठप्प है बैठा था, तुम्हें पता अज कोई भी साधन है बिजली के बगैर नहीं चलता है। तो ये चीफ इंजीनियर आख्या जिन्ने चिर तार नहीं लगेगा अस बिजली नहीं देगे है तुम्हें। मेरी सवाल आई है अज धोरी इले तो 4 बार गलबात हो चुकी है चीफ इंजीनियर कन्नै, मगर वो आखा सरपंच साहब तार लगन दे तो मैं बिजली देनी है। ये देखो ये बिजली का गल बखरी है, 300 घर गल बखरी है, वो 8-10 घर का मसला है, वो ठीक है बाद च करन। 300 घर की बिजली किस कानून कन्नै बंदी ने की गई है, मैं मीडिया के थ्रू उन्हें सारे पूछना चाहना कि ये जरा है कानून जरा है जबरदस्ती लोगों भी थोपया जा रहा है या जबरदस्ती इन्हें भी गला घोटा जा रहा है। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम ज्योति प्रसाद, ये सारी लाइट पब्लिक की हरासमेंट किया जाता है, चीफ इंजीनियर अकेले अपने पद का दुरुपयोग कराया करते हैं, क्योंकि लाइट कल की 12 बजे की बंद है, ये 6 घरें ले ने 600 बंदे की सुनी चाहिए, यह तरीका ठीक नहीं है, ये अपने पद का दुरुपयोग करिए, लोग हरासमेंट कराया करते। अगर थोड़े के टाइम बच्चे अगर घंटे का 2 घंटे अंदर लाइट नहीं आई तो अस लोग पावर हाउस की ताला लाइए सारे स्टेशन की लाइट बंद कर देंगे, जहाँ तक सारे नहीं लाई जा तो जहाँ सारी बंद कर देंगे। प्रोटेस्ट किया है आपने बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्यों किया और किस लिए किया? ये जो लोगों का ये मुद्दा चल रहा है, ये 2012 का चल रहा है, ये 33 kV ये लाइन लगा रहे हैं, ये लोगों घर में ये लाइन लग रही है और ये रोड हो रहे हैं कि थोड़े हम बाहर निकाल लेंगे, ये पोल बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे, इसलिए ये 2012 का ये मुद्दा चल रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने इसका सलूशन नहीं किया और हमारे बैडू विलेज में इसी डिपार्टमेंट का एक्शन साहब इधर बैडू विलेज में उनकी ड्यूटी थी, उनके आगे हमने रिक्वेस्ट की और उसकी DPR भी बनाई और फिर भी ये ठेकेदार कहते हैं और डिपार्टमेंट कहते हैं कि तार इधर से लगी। ये आज मैं मीडिया के थ्रू इनको बताना चाहता हूँ, ये अगर लाइन देखो आप इसकी वीडियो बना के देखो, ये पोल की और ये रोड की, अगर ये पोल बिल्कुल सही लग रहे हैं तो हम इनको नहीं रोकेंगे, लगने देंगे, अगर गलत हैं तो हम नहीं लगने देंगे, यही बात है। और कल से चीफ इंजीनियर ने हमारी लाइट बंद कर दी है गांव की, कम से कम 300 घर का बिजली बंद है जी, 300 घर की ये लाइट बंद है और कल का ये लोग बहुत ही परेशान लोग हैं कि इनकी जो बत्ती बंद की कल 1 बजे से बत्ती बंद है और 24 घंटे हो गए बत्ती बंद हो गए और अभी तक कोई चीफ इंजीनियर को जब फ़ोन करें, हमारा BDC या सरपंच फ़ोन करे वो फ़ोन उठाता नहीं है, फ़ोन पे बात नहीं करता, सुबह भी बाद भी रात को उसने रात को भी फ़ोन किए थे बिल्कुल फ़ोन नहीं उठा रहा, कहता लाइन लगेगी 2014 तक ये लाइन लगानी है, पर हमारा जो ये मसला है कोर्ट में चल रहा है, उनको तरीक है 17 तरीक को डिपार्टमेंट को बुलाया गया, आज हमने फिर आप अपने बंदा कोर्ट में भेजा वकील के थ्रू और कल का इनका नोटिस निकाला, हमें ये कोर्ट में जवाब देंगे, हम कोर्ट के थ्रू ही ये काम करेंगे, अगर कोर्ट मानेगा ये देखेंगे सिस्टम इसका। और हमारे तहसीलदार मैडम भी आई थी सुबह हमारे ब्लॉक के, जो BDO साहब वो भी आए थे, उन्होंने पूरा मौका देखा, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत लाइन लग रही है और हमारे पास इसका लाइन का ये नहीं है कि हम लगने नहीं दे रहे, इसका हमारे पास सलूशन है, हमने रोड बना के दिया है इसके लाइन का, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 पोल एक्स्ट्रा लगेंगे और गांव से बार बार बाहर से ये आ जाएगी लाइन। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप, मैं अपनी गवर्नमेंट LG को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारी समस्या ये समझे और ये हम इस 33 kV का लाइन हम लोगों के घर पर नहीं लगाने नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा रिक्स है, ये हम नहीं उठाएंगे ये रिक्स। बिजली डिपार्टमेंट चीफ इंजीनियर बिजली डिपार्टमेंट।